से याद है जब 2017 के चुनाव हुए थे जब एनसीआरबी के आंकड़े आए थे, क्योंकि 100 नंबर की सेवाएं शुरू की गई थी, 1090 की जो सेवाएं शुरू की गई थी, उसकी वजह से महिलाओं के जो आंकड़े हैं ये कम हुए हैं 2017 में, और अब ये 5 साल बाद ये एकदम बढ़ के आए हैं। तो मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। कितनी हेक्टिक रही है कैंपेन, क्योंकि आप ज्यादा नजर नहीं आए, क्या बैकरूम मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। 10 मार्च को क्या नतीजा है? बहुत ही पॉजिटिव। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। अखिलेश जी, 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। लगातार परिवारवाद पे निशाना साध रही है भाजपा। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए, क्या लेना देना कि उन्हें धान की लूट हो जाए, खाद नहीं दे पाए जो बाबा मुख्यमंत्री, जो डीएपी नहीं दे पाए, उनसे क्या बोलना है उसके लिए। पहले 3 चरण, आज तीसरे चरण में कैसा करें, काफी निर्णायक माना जा रहा है। ये जैसा पहले दूसरे चरण में वोट पड़ा था वैसा ही इस चरण में भी वोट पड़ेगा। डिंपल आपके साथ है, क्या महिलाओं का वोट पड़ेगा? मैं तो महिलाओं से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए और मतदान करें उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अखिलेश यादव आज तक से बात करते हुए। अंजना मौसमी आप लाइव हैं इस वक्त आज तक पर, पूरी बातचीत हमने सुना दी है। बिल्कुल।